दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर जिले में कुल वैक्सीनेशन की तुलना में पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेने वाले व्यक्तियों की तादाद 44,000 होकर आने वाली संभावित तीसरी लहर के लिए ये विषय गंभीर होने से भंडारा जिलाधिकारी संदीप कदम के मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 18 से अधिक व 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए 15 जुलाई को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाने हेतु विशेष मुहिम का आयोजन किया गया है। जिले को कोरोना मुक्त करने हेतु जिलाधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जिले की ढाल बनकर कोरोना के चैन तोड़ने के लिए वे कार्यरत है। उसी प्रकार सभी नागरिकों की सुरक्षा हेतु ये विशेष वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जा रही है, जो कि भंडारा तहसील अंतर्गत हुतात्मा स्मारक शास्त्री चौक कारधा कोका कोथुरना मानेगांव शाहपुर वाकेश्वर गणेशपुर लाखनदुर तहसील अंतर्गत बोथली मांढड़ मानेगांव दी पाहुन गांव पिंपड़ गांव सोनी लाखनी तहसील अंतर्गत गुरढ़ा खराशी लाखोरी शिवनी सोमलवाड़ा मोहाड़ी तहसील अंतर्गत डोंगरगांव हरदोली कांदरी मांडेसर नीलज पवनी के अंतर्गत भावड़ चीचाड़ गोसेबुर्ज लोनारा नेरला सिंधपुरी साकोली के अंतर्गत चांदोरी कुंभली परसोड़ी पिंडकेपार सानगढ़ी और तुमसर तहसील अंतर्गत बपेरा देवहाड़ी कवलेवाड़ा महलगांव मोहगांव खमारी इन सभी जगहों पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वैक्सीनेशन शुरू रहेगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों ने आकर वैक्सीन लगाने का आह्वान जिला स्वास्थ्य प्रशासन और जिलाधिकारी संदीप कदम साथ ही जिला स्वास्थ्य प्रशासन की ओर से किया गया है। आपके अपने चैनल जीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।